नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। NS फैशन क्वीन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे स्मोकिंग डिजाइन क्या होते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। तो गाइज, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो पिक्चर शेयर की जा रही हैं, नहीं स्मोकिंग डिजाइन कहा जाता है। स्मोकिंग डिजाइन कैसे यूज़ करते हैं, किस में यूज़ किया जा सकता है और ये कैसे क्रिएट किया जाता है, वो आपको इसमें दिखाऊंगी मैं कि फैब्रिक्स जो इसमें कौन से फैब्रिक यूज़ होते हैं। जैसे अभी सैंपल आपने देखा रोज़ का था, ये बॉक्स सैंपल है, बॉक्स स्मोकिंग डिज़ाइंस हैं और ये अलग अलग डिज़ाइंस हैं यहाँ पे। और ये इनके बनाने की जो टेक्निक है ना गाइस, वो डिफरेंट है। सेम टेक्निक से हम स्मोकिंग डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर सकते। हर डिज़ाइन का, हर पैटर्न का अलग ग्रिड बनता है और ये जो डिज़ाइन है ना, ये ग्रिड पे ही रेडी होते हैं। यहाँ पे इनके जरिए हम बहुत सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे पिल्लो हो गए, कुशन हो गए, ये तो आपने नॉर्मल देखे ही होंगे। ठीक है गाइस, आप हैंड बैग पर स्मोकिंग कर सकते हो, आप किसी और गाउंस वगैरह पर कर सकते हो, जहाँ तक आप बेडशीट भी डिज़ाइन कर सकते हो इसकी अलग अलग फैब्रिक। ज़्यादातर जो गाइस इसमें यूज़ किया जाता है ना फैब्रिक, वो साटिन यूज़ किया जाता है, साटिन, सिल्क, शिफॉन पे इतना वो थोड़ा अलग सा होता है, बट सिल्क ज़्यादा और मोस्ट यूज़ तो साटिन है गाइस। ये बेडशीट देख रहे हो आप, ये साटिन की बनी हुई है। यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया क्रिएट, वो स्मोकिंग डिज़ाइन है। और इसी तरह ये वाइट बेडशीट है, इस पर भी स्क्वायर शेप में स्मोकिंग डिज़ाइन किए हुए हैं। तो इनका जो पैटर्न है वो अलग है कि कैसे इनको रेडी करना है। और यहाँ पे गाइस बहुत तरह के आप अलग अपने डिज़ाइन से, अपनी क्रिएटिविटी से, आप अलग अलग जैसा आप डिज़ाइन चाहते हो उस तरीके के आप बेडशीट डिज़ाइन कर सकते हो, उसको रेडी कर सकते हो। और इसकी अलग ही खूबसूरत जो डेकोरेशन है, क्या गजब है यार। ये देखो, यहाँ पे ना बिल्कुल फुल डिज़ाइन है, स्मोकिंग पूरा कवर किया हुआ है यहाँ पे, विदाउट फ्रिल है। ये देख रहे हो ना, बिल्कुल विदाउट फ्रिल है गाइस। इसको आप घर पे रेडी कर सकते हो अपने बेडरूम के लिए। यहाँ पे कर्टन है, कर्टन भी आप घर पे रेडी कर सकते हो स्मोकिंग डिज़ाइन के। कैसे करने हैं, क्या पैटर्न है, कैसे किए जाते हैं, ये भी आपको बताएंगे हम। और गाइस, इनका जो सैम्पल है जो आप देख रहे हो, ये ड्रेस पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सोचने वाली बात है, ये ड्रेस पे कैसे हो सकते हैं? तो गाइस, ये ड्रेस बिल्कुल आसान है। ये देखो आप, यहाँ पे अलग तरीके का पैटर्न है, पूरी ड्रेस यहाँ पे टॉप पे दिखाया हुआ है। ये फैशन शो में नीचे जो स्कर्ट है, बॉडी के लोअर बॉडी के, उस पर पूरा स्मोकिंग दिखाया हुआ है। यहाँ पर वेस्ट पर दिखाया हुआ है गाइस, पूरा वेस्ट कवर किया हुआ है स्मोकिंग डिज़ाइन से। और यहाँ पे बॉडी का लोअर पार्ट को छोड़कर जो अपर बॉडी का है उस पर पूरा दिखाया हुआ है स्मोकिंग डिज़ाइन। तो गाइस, इस तरह ये कॉस्ट्यूम कुछ डिज़ाइन कर रखे हैं। और ऐसे गाइस, हमारे यहाँ पर एक फ्लो टच वन पीस है, उसको स्मोकिंग से कर रखा है। सिंपल स्मोकिंग है गाइस, ये बिल्कुल सिंपल है। बस यहाँ पर जो पैटर्न है गाइस, आपको पैटर्न पर, ग्रिड पर ध्यान देना है, आपका स्मोकिंग बिल्कुल स्टाइलिश हो जाएगा। आप किसी भी तरह की स्टाइलिश कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक मॉडल है, मॉडल की बॉडी पर पूरा स्मोकिंग कर रखा है स्मोकिंग डिज़ाइन से। ओके गाइस, यहाँ पे येलो कलर की ड्रेस है और जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये जो ये पैटर्न है ना गाइस, इस पर ना ये पूरा राइट साइड ही होती है इस पर स्मोकिंग। ठीक है, ये देखो गाइस, ये होता है ग्रिड, ये मेन पार्ट है स्मोकिंग का। यहाँ इस ग्रिड के जरिए हम क्रिएट करते हैं स्मोकिंग डिज़ाइन को। ये पैटर्न ग्रिड है, ये देखो यहाँ से लिखा है ना 2 से 1, 4 से 3, 6 से 5। आप यहाँ से निडल डालोगे 2 से और 1 पर आओगे और नोट लगा दोगे, फिर वहीं 4 पे जाओगे, 4 से 3 पे आओगे ना, तो उनको इकट्ठा करके नोट लगा दोगे वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 6 से 5 को आओगे तो नोट लगा दोगे, इस तरह वो ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल दिखाया हुआ है ब्लैक एंड वाइट में। तो गाइस, ये सैम्पल है, इस तरह ग्रिड डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस के डिफरेंट ग्रिड होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ग्रिड होते हैं, तो इस तरह हम नेक लाइंस डिज़ाइन कर सकते हैं, वेस्ट लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, बॉडी का बॉटम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा डिज़ाइन चाह रहे हो।
बड़े बड़े डिज़ाइनर वो इन पैटर्न का ही यूज़ करते हुए ना डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा कि स्मोकिंग डिज़ाइन क्या होते हैं। देखो गाइज जो ये यहाँ पे है ना बॉक्स है, इसे रोज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये बॉक्स का डिज़ाइन तो ऑलरेडी है, यहाँ पे तीन डिज़ाइन निकल के आ रहे हैं एक ही पैटर्न से। यहाँ पे देखो लीप्स वाला भी निकल के आ रहा है, बॉक्स वाला भी निकल के आ रहा है। आगे चलकर ना ये डिज़ाइन है जो ये आपका रोज़ में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो गाइस इसका थोड़ा बड़ा बॉक्स करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली रोज़ में हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो गाइस इसका भी पैटर्न अलग है इसमें के, ये देखो ये डिफरेंट टाइप का पैटर्न है। तो गाइस हम स्मोकिंग डिज़ाइंस के जरिए ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉस्ट्यूम, बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना गाइस। ये देखो लग सैम्पल है, ज़्यादातर गाइस आप साटन पे करोगे ना तो बेस्ट है। ये देखो ये रोज़ है ना, रोज़ कन्वर्ट करते हैं, रोज़ जो डिज़ाइन करते हैं तो उसका अपोजिट साइड है ना, अपोजिट फैब्रिक है तो वो है। यदि हमने आप इसको फ्रंट में दिखाना है ना अपने ड्रेस पे कि ये चीज़ दिखानी है, रोज़ नहीं दिखानी है, तो ये चीज़ बन के आएगी। इसका गाइस अलग पैटर्न है। यदि आप इसको छोटा छोटे बॉक्स पे करोगे तो अलग हो जाएगा। इसी बॉक्स इसी पैटर्न को आप इसकी बेडशीट डिज़ाइन करनी है तो इसको बड़े पे दिखा रहे हो, ठीक है, थोड़ा साइज़ बड़ा कर रहे हो। इस तरह ये सैम्पल क्रिएट होते हैं जैसे आप देख ही रहे हो। ये अलग अलग ग्रिड है गाइस, ग्रिड है हाँ। इसमें फैब्रिक बहुत कंज्यूमिंग में आता है, बहुत कंज्यूम होता है फैब्रिक, और ज़्यादातर शाइनिंग है ना जो स्मोकिंग की, तो यार वो ना साटन पे बहुत उभर कर आती है। साटन हो गया, सिल्क हो गया आपका, ठीक है, इस पर बहुत मस्त आती है यार, ये बहुत माशाल्लाह ही होती है। देखो गाइस ये अलग ग्रिड है, इनका अलग डिज़ाइंस है, इस तरह ये अलग ग्रिड है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया ना तो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ उस पर बना सकते हो आप। ये देखो ये पिल्लो का है, इन्होंने ऐसे पूरा ग्रिड बनाया हुआ है। किसी भी सैंपल का आप ग्रिड रेडी करोगे ना तो फिर वो फैब्रिक पे करोगे। और एक चीज़ और यार गाइस इसमें आपने ध्यान में रखना है, ये देखो नेक लाइंस हैं, ये भी स्मोकिंग के जरिए ही हो रही है। इसमें क्या क्या है, सिंपल रनिंग स्टिच से ना उन्होंने बस निकाला है और उसको खींच दिया है पकड़ के थ्रेड को, तो ये डिज़ाइन क्रिएट हो गया है, ठीक है। इस तरह यार ये देखो ये अपोजिट साइड है फैब्रिक का, राइट साइड नहीं है, अपोजिट साइड है, वहाँ पे ग्रिड उन्होंने बनाया है। और ये डिज़ाइन देखो वही सेम डिज़ाइन यहाँ पे है, इसकी कर्व पर है, इसकी वेस्ट लाइन पर है, तो ये कुछ नहीं है इसमें, इस कॉस्ट्यूम में जो इस मॉडल ने वियर किया इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस दिमागी खेला और कुछ नहीं है। और इस तरह आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, टॉप बना सकते हो, गाउन्स क्रिएट कर सकते हो इससे। ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर पैटर्न निकल के आ रहा है ना, इसको फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की वर्डिंग भी बोलते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। तो ये देखो कलर्स हैं कितने बेस्ट, और फ्लावर्स निकल के आ रहे हैं, आप बीट्स भी लगा सकते हो, आप कुछ और कुछ फ्लावर बनाकर लगा सकते हो, आप कोई एम्ब्रॉयडरी बीच सेंटर से कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। एज अ फैशन डिज़ाइनर जो स्टूडेंट है ना वो तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ रहे होंगे, उनको आइडियाज़ आ रहे होंगे, वो अपनी फैशन शो में भी इन पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉस्ट्यूम को दिखाने के लिए। उन पर डिज़ाइन किस प्रकार से कर रहे हो आप, किस प्रकार से किस मॉडल पे, जो मॉडल बहुत स्लिम है, जिस जो इतनी हेल्थी नहीं है उसको हेल्थी कैसे दिखाना, तो उनके लिए आप वैसे ही हैवी टेक्सचर उठा सकते हो स्मोकिंग डिज़ाइन का, लाइक अ रोज़। ये देखो गाइस हम सोचते हैं कि कैसे हम कटिंग करेंगे बॉडी की, तो पहले आप सैंपल रेडी कर लोगे स्मोकिंग डिज़ाइन का, फिर अपना बॉडी को होगा उसकी मेजरमेंट ड्राफ्टिंग कर कर उस पर निशान लगा लोगे, और वैसे ही एक लाइनिंग कटिंग कर लेना और उसको पेस्ट करके उस पर सीम लगा लाइन लगा कर कटिंग कर लेना। तो इससे क्या होगा गाइस, सीम लाइंस देकर आप कटिंग कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रॉपर बॉडी रेडी है, इस तरह आप टॉप रेडी कर सकते हो, आपकी जो स्मोकिंग की है वो निकलेगी नहीं गाइस। जितना आप नॉट लगा रहे हो ना कसकर उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका लूजिंग इफेक्ट आ सकता है गाइस, थोड़ा भी लूज़ हो गया आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ से लूज़ हुआ है भाई, तो बहुत ध्यान रखना है, और देखने में बहुत सुंदर है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।